2012 में मुझे फर्स्ट टाइम प्रॉब्लम हुई थी थोड़ी, तो आई कंसल्टेड इन बरेली, आयुर्वेदिक के डॉक्टर हैं, तो मैंने उन्हें कंसल्ट किया था। तो ही टोल्ड मी दैट यू आर सफरिंग फ्रॉम पेरिनल एप्सिस। उन्होंने ड्रेनेज करके सफाई कर दी थी सारी, फिर मैं बिल्कुल ठीक रहा। 1 साल तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अगेन 1 साल बाद मुझे फिर से कुछ प्रॉब्लम हुई, तो मैंने दोबारा से डॉक्टर को वहीं कंसल्ट किया घर जाकर। तो डॉक्टर ने उस समय दवाई वगैरह लिखी, बट उन्होंने बोला कि यू नीड अ सर्जरी फॉर दिस। सो बेसिकली मैं थोड़ा सा ट्रबल हो गया, क्योंकि ऑफिस भी था मेरा। तो डॉक्टर टोल्ड मी दैट इट विल टेक एटलीस्ट 2 to 3 months फॉर सर्जरी ट्रीटमेंट, एंड आफ्टर दैट 2 to 6 months यू कैन नॉट ड्राइव और सिट। फॉर 3 months ही विल कीप ऑन मीन्स क्लीनिंग एंड पुटिंग सम थ्रेड। फिर मुझे थर्ड टाइम, फिर आफ्टर 1 year फिर प्रॉब्लम हुई। आई कंसल्टेड विद अ होम्योपैथिक डॉक्टर एज वेल। सो वट ही टोल्ड मी लाइक डोंट गो विद द सर्जरी, बिकॉज सर्जरी विल नॉट बी श्योर एंड श्योर ट्रीटमेंट फॉर दिस डिजीज। Did homeopathy actually help you in any way? Not as such, means I didn't feel any difference, so I stopped taking the homeopathic medicine after a few months. And I have read out internet as well regarding VAFT. So VAFT के मैंने इंटरव्यू वगैरह देखे, यूट्यूब पे वीडियोस देखी, तो मुझे पता चला इट इज़ वेरी इजी, एंड इसमें तुरंत डिस्चार्ज मिल जाता है, विद इन 4 hours आप चल फिर सकते हो आफ्टर ऑपरेशन। सो आई केम हेयर एंड कंसल्टेड विद डॉक्टर आशीष भेनोत, एंड ही टोल्ड मी अबाउट द एडवांटेजेज ऑफ वाफ्ट एंड हाउ क्विक इट इज़, एंड अबाउट द रिस्पॉन्सिस द पेशेंट्स गेव, एंड दैट ऑल मीन्स फोर्स मी टू गेट द ट्रीटमेंट। सो आई एम हाईली सेटिस्फाइड विद द ट्रीटमेंट आई हैव गॉट विद डॉक्टर आशीष, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम। The journey. टुक लेस देन 2 months फॉर मी, टोटल ट्रीटमेंट टुक लेस देन 2 months, एंड आई एम फीलिंग क्वाइट कम्फर्टेबल एंड आई कैन रिज्यूम माई ऑफिस नेक्स्ट डे फ्रॉम द सर्जरी। सो दैट्स ऑल हाउ आई फील, एंड करेंटली आई एम आई थिंक आई एम 100% फिट।